प्रदेश के बरेली में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। फेसबुक के माध्यम से दी गई धमकी में सिर तन से जुदा करने की बात कही गई है, जिसके बाद हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ता भड़क उठे। उन्होंने बरेली के आंवला कोतवाली में एक शिकायती पत्र दिया है। इस शिकायती पत्र में कहा गया है कि सनातन धर्म के गुरु पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की फोटो लगाकर अशोभनीय तरह से एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, जिसमें सिर तन से जुदा का ऑडियो भी लगाया गया है। इस वीडियो से हिंदू लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और समाज के संगठनों में काफी आक्रोश है। इसके चलते सैकड़ों की संख्या में हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर आंवला कोतवाली परिसर में जमकर हंगामा किया। उन्होंने पुलिस अधिकारी से FIR दर्ज करने की मांग करते हुए आरोपी पर एक्शन लेने की मांग की है। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने धमकी देने के आरोप में फैज रजा नाम के एक शख्स के खिलाफ धारा 505(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच पड़ताल की जा रही है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। वहीं इस पूरे मामले में हिंदुवादी संगठन के नेता ने कहा कि फैज रजा ने फेसबुक पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का फोटो लगाकर उनका सिर धन से जुदा करने और अपशब्द लिखते हुए स्टेटस लगाया है। इसमें सिर तन से जुदा का गाना भी शामिल है। उनकी पोस्ट पर कुछ और लोगों ने भी अभद्र टिप्पणी की है। इन सब हरकतों से माहौल खराब हो सकता है, इसीलिए आरोपी पर सख्त एक्शन लिया जाए। गौरतलब है कि इससे पहले भी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को धमकी मिल चुकी है। ऐसे में उनके साथ सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। पुलिस उनकी सुरक्षा को लेकर सतर्क है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।